अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करो तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स इज कबीर सिंह। मतलब हालांकि अर्जुन रेड्डी मैंने बहुत बार देखी है, मेरे को इसका जो ओरिजिनल वर्जन है मतलब कबीर सिंह का ओरिजिनल वर्जन विजय देवरकोंडा वाला, वो भी बड़ा पसंद है एंड सर्टनली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। इसके कुछ डिलीटेड सीन्स हैं जो टी सीरीज़ ने अपलोड करे हैं, तो डिलीटेड सीन वन पे एक बार चेक करते हैं कि क्या आया है। मेरे को भेजा यार किसी ने, मतलब मैं हैरान, ये सीन्स डाले नहीं हैं इन्होंने मूवी में, तो चेक करेंगे एक बार फटाफट सीन देखते हैं। नमस्ते सर। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने दो जल्दी जल्दी, सब सपोर्ट करो यार। अब से चुपचाप अपना काम देखिए जी साहब, आप वापस रख लो काम पे। कैसे कहा चुप के बैठा है, देखो इतने ग्लास तोड़िए हिसाब रहेगा। पूरे 10 ग्लास के हिसाब से पुकार से काट देना। अरे पैसे की बात नहीं है, कितनी बार साहब ने इसको समझाया कि प्रीति को नाम से बुलाया करो, फिर भी ये वो इसकी उसकी नाम से पुकारने में प्रॉब्लम क्या है हा? और साहब जब गुस्सा होते हैं ये मैडम भी चुप नहीं रहती है, इसकी की 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 चालू रहती है। ये सही था ना कहरी छिटकान सर की मिसेस कैसे खाई को बुलाती। सर की मैसेज नहीं कुत्ती है, बता। नहीं तू मेरे को एक बात बता, ये 15 मिनट के काम के लिए 2000 रुपए का पगार कोई देता है सोसाइटी में? बोलना। नहीं सर आप सही बोल रहे हो। ऊपर से ये काम खत्म करके नीचे चली जाती है। तू वो थाईलैंड का लीडर है ना, हाँ हर टाइम उन लोग के साथ हाई ही हूँ। वो 507 का मैडम बाथरूम में गिर गई, 204 का अंकल के ढुले हुए कच्चे उड़ गए, इसका डॉगी उसकी बिल्ली के साथ भाग गया, ये क्या सब बकैती बेकार की पंचायत यार। वो सोसाइटी वाले मेरे को फोन करके बोलते हैं 1107 के आपका जो दोस्त है वो लेडीज लोग को घर ले आता है, इन लोग को कैसे पता चलता है भाई? पुष्पा तेरे को काय को ये सब? अरे आप भी तो लेडीज हो ना, आप समझाओ ना मेरे को, आप कैसे जज करते हो कि वो एयरबस है कि नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आता, आप समझाओगे? पुष्पा साहब डॉक्टर आए ना, ऐसा सब थोड़ी करते रहेंगे। नहीं कल कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हुज इन चार्ज? सॉरी साहब अभी इसे मैं हाँ हाँ ही हूँ सब बंद कर देगी, और ये प्रीति मैडम को भी नाम से बुलाएगी साहब, पक्का वाला प्रॉमिस, एक बार माफ कर दो ना साहब प्लीज, एक बार। चल जा 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 जा। थैंक यू साहब। नाइस यार ये होना चाहिए था सीन। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ मूवी से क्योंकि मूवी काफ़ी बार देखी है। अच्छा लगता सीन अगर ये भी होता तो, मतलब इसके बाद वो जो भागने वाला सीन है वो तो नेक्स्ट लेवल था ही, वो तो हमने ट्रेलर्स में भी देखा, मूवी में भी तो ऑब्वियसली देखा ही है। बट सीरियसली ऐसे कई मूवीज़ होती हैं जिनके कुछ ना सीन शूट होते हैं बट वो फाइनल एडिट में कट जाते हैं, तो अगर आपके साथ भी कुछ है ऐसा तो मेरे को बताना। एक सीन मेरे को पता है, अगर कहोगे मैं लेके आऊँगा, इंडिया की नेशनल गाली कौन सी है, इसके ऊपर एक पूरा सीन है, तो मेरे को बताना। वो एक अच्छी फिल्म में से डिलीट किया हुआ है, वो हम पक्का रिएक्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना, विल सी यू इन अनदर वीडियो। अगर चाहते हो इस सेगमेंट में और वीडियोस आए लेके आऊँगा फटाफट, ठीक है? चलो सब्सक्राइब कर दो यार।